अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं चिकन बना रही हूँ। चिकन में ये मैंने मसाले रखे हैं, अजवाइन है, ज़ीरा है, पिसी हुई मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर और नमक है, ये दही है, और ये 3 से 4 अदर टमाटर हैं, 2 अदर प्याज हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 खाने के चम्मच। तो ये सारे मसाले अब मैं चिकन में डाल दूँगी। अब ये सारे मसाले चिकन में डालेंगे, चिकन में डाल देंगे ये सारे मसाले, और दही भी डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करके सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, और दही भी डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो आप पतीली में प्याज ले लेंगे, पतीली में प्याज ले लिया है, 1 कप भर के ऑयल का ले लिया है, इसे ब्राउन कर लेंगे प्याज को। प्याज जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, वो इसे मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करके और ढक्कन लगा के इसे सॉफ्ट होने के लिए टमाटर रख देंगे, ताकि इसका छिलका आसानी से उतर सके। तो ये देखें, थोड़ी देर बाद मैंने उठाया ढक्कन, तो ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, और इसका छिलका उतार देंगे, छिलके सारे टमाटर के रिमूव कर देंगे। चिमटे की मदद से मैंने ये सारे टमाटर के छिलके उतार लिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मैश करूँगी। उतारने के बाद तो ये देखिए, छिलके मैंने सारे उतार दिए हैं। अब इसे मैश करेंगे टमाटरों को। टमाटरों को मैंने मैश कर लिया। अब इसमें मैरिनेशन किया हुआ हम चिकन भी डालेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैश हो गए हैं टमाटर। तो अब इसमें चिकन डाल देंगे, जो सारा मैरिनेशन करके रखा था वो सारा डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दही और चिकन के पानी में ही ये गल जाएगा। ढक्कन लगा देंगे। 15 मिनट बाद ये देखें, मैंने देखा है तो अभी इसमें पानी था, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम पानी खुश कर लेंगे, चिकन हमारा गल गया था। तो इस तरीके से आप बनाएं, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। ये देखें, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो गया, अच्छी तरह से भून लिया है चिकन को। तो अब इसमें हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे। तो चिकन हमारा बन के तैयार है, ये मज़ेदार सा। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें, उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।